नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिस्टल्स और हम में। दोस्तों, जिंदगी एक किताब की तरह होती है और ये किताब जिंदगी के रिश्तों की दास्तान अपने अंदर समेटे होती है। रिश्ते जो कभी खट्टे होते हैं तो कभी मीठे, कभी दुख लेकर आते हैं तो कभी खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके रिश्ते में मिठास बनी रहे, घर में खुशहाली ही खुशहाली हो। आपकी इसी चाहत को पूरा करने के लिए आज का ये खास एपिसोड हम आप तक लेकर आए हैं और आपकी जिंदगी में कैसे आएगी खुशियों की बहार, ये बताएंगे क्रिस्टल के जाने माने एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनूप जी। रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और सब लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ये अटूट बंधन बन के रहें। बिल्कुल। कैसे आती है रिश्तों में ये जो खटास आ जाती है वो, और कैसे उसे मिठास में बदला जा सकता है क्रिस्टल्स के जरिए? सही आपने प्रश्न किया है और आज के टाइम में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। रिश्तों की अगर हम बात करें तो रिश्ते घर से लेके बाहर तक हर जगह हम किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में अगर बात करूं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता हो गया जी। घर में बात करूं तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो गया जी। सास बहू का हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया। थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए तो लवेरिया का रिश्ता हो गया, फ्रेंड सर्कल का रिश्ता हो गया जी। यानी हर जगह हम किसी न किसी रिश्ते से बंधे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी रहला कहाँ पे आती है? जब हमारी अपनी ईगो इतनी प्रधान हो जाती है कि हम उसको बाहर निकल नहीं पाते और ये चाहते हैं कि दूसरा सिर्फ मेरी ही बात सुने। बिल्कुल। अक्सर लोग ये कहते हैं, देखो वो तो हमारी बात समझता नहीं है जी। और वो क्यों नहीं समझता इसका एनालिसिस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे अंदर एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है जी। यानी प्रवक्ता की जगह आपको श्रोता भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब तक आप सुनने का आपके अंदर गट्स नहीं है तो पावर नहीं है, तब तक आपको बोलने का भी हक नहीं है। बिल्कुल। अक्सर मैं यहाँ पे एक प्रश्न कर देता हूँ लोगों से, क्या आप हिटलर हैं कि बच्चे और सास आपके हिसाब से चले, या बहू आपके हिसाब से चले, या हस्बैंड आपके हिसाब से चले? लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ईगो तो है ही है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है वो इनसिक्योरिटी। ओके। अक्सर हस्बैंड को इनसिक्योरिटी हो जाती है अपनी मिसेस के साथ कि वहाँ पे कहीं ये गलत तो नहीं चली जाएगी जी, मेरी इज्जत के ऊपर कहीं कोई दांव तो नहीं लग जाएगा। ऐसे केसेस में वो लोग क्या करते हैं, अक्सर आके उनके मोबाइल्स को चेक करते हैं कि कहीं उसको कहीं किसी को किस किस को डायल किया गया। बिल्कुल। ये जो एक चीज शक जो शुरू हुआ, ये क्यों शुरू किया गया जी? बेसिक हमारी इनसिक्योरिटी थी। एग्जैक्टली। और ये शक जो आपने जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं है, देखा जाए तो सब में होता है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के मोबाइल चेक करते हैं कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, कहीं ना कहीं इनसिक्योर है कि झूठ तो नहीं बोल रहा। करेक्ट। तो ये चीज़ आप लोग भी समझिए कि बीइंग अ गुड स्पीकर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जैसा कि अनूप जी ने यहाँ पर बताया कि एक स्पीकर, गुड स्पीकर बनने के लिए भी एक गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ पे रिएक्शन सही दे ही नहीं सकते, और रिएक्शन सही नहीं होगा तो वहाँ से जो ऑपोजिट रिएक्शन आएगा वो भी ख़राब होगा और इसी वजह से आपके रिश्तों में कड़वाहट आएगी। तो बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, गुड लिसनर बनिए और समझने की कोशिश करिए ईगो को पीछे रखकर, जैसा कि अनूप जी ने बताया। बहुत अच्छे आपने यहाँ पर सीख। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, मैं आपको बीच में ब्रेक कर रहा हूँ कि जो हमारी ईगो है जी जी, मैं क्यों डाउन करूँ, मैं क्यों झुकूँ, हाँ ये तो इसके अंदर हमारा एक इम्पोर्टेंट है हमारे हॉर्मोन्स जी जी। तो उसको हम लोग क्रिस्टल्स के थ्रू उनको डाउन करते हैं। अपने हॉर्मोन्स के अंदर हम मैनिपुलेशन लाते हैं। ब्लड के अंदर जो एक हमारा हार्ड हो जाता है ब्लड, उसको हम लोग डाइल्यूट कराते हैं क्रिस्टल्स के थ्रू, ताकि आपका इजी फ्लो, ऑक्सीजन का इजी फ्लो आपकी बॉडी में चालू हो जाए। तो जब आप नॉर्मल ब्रेथ ले सकते हैं, सांस लेते हैं, तब आप अपने आप के अंदर टेंस फ्री महसूस करते हैं। किस किस तरीके के स्टोन्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया, मतलब जो माइंड को कंट्रोल करें, आपकी सोच को बदलें, आपके अंदर वो एटीट्यूड लेकर आएं कि आप समझने की कोशिश करें। इसमें ब्रेन और कॉन्फिडेंस का स्टोन इम्पोर्टेंट अच्छा। होता है, जहाँ पे हमारे जो द्वंद चलता है कि क्या मैं कहूँ या ना कहूँ, ये एक सबसे ज़्यादा द्वंद होता है। उस द्वंद को दूर करने और अपना आत्मविश्वास हम खोते जाते हैं, पता नहीं यार क्या करेंगे। एक छोटा सा टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन बात करूँ, स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा और टीचर ने कहा, नालायक ये भी नहीं आता तुम्हारे को, तो उसको ये डर लग गया कि पता नहीं मेरा मजाक ना उड़ा दे बच्चे। Exactly, वो नेक्स्ट टाइम पूछेगा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ,
उसकी धीरे 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 पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होता चला गया और उसका जो रिजल्ट है वहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो गया। अब ऐसे केसेस में मुझे कॉन्फिडेंस स्टोन को भी देना जरूरी है, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेन एंड कॉन्फिडेंस का स्टोन देते हैं और साथ में नेगेटिव रिमूवल स्टोन भी देते हैं। तो उससे क्या है कि जो नेगेटिव है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, कॉन्फिडेंस गेन करता है बच्चा और ब्रेन के अंदर तो शार्पनेस आती ही आती है। जी अनूप जी, एक चीज़ है कि क्रिस्टल्स आपने बताया कि बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने चाहिए या फिर आप रख रहे हैं उनकी वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं, तो कितने ड्यूरेशन के लिए हमें उनके टच में आना पड़ता है, क्या उसके लिए भी अलग अलग टाइमिंग्स हैं? दो तरह के क्रिस्टल्स हैं, एक वो जो हमारी बॉडी टेम्परेचर के साथ या बॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, अगर घर के अंदर कोई आपस में रिलेशंस की प्रॉब्लम है जी, चाहे वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या अपनी ईगो को शांत करना हो, तो वहाँ पे हम घर पे रखते हैं तो वो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन अनूप जी, जैसे घर में हैं हम, हमारे रिश्ते हैं वो कड़वे पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वक्त होता है उन्हें समझने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन जैसे बाहर के रिलेशनशिप्स, उनके रिश्तों की बात हम करें, हमारे बॉस के साथ हमारा रिलेशन है या बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जो है, उसमें हमें इतना वक्त नहीं मिलता कि हम सोचे समझे और अंडरस्टैंड करें। वक्त सब मिलता है लेकिन हमारी ईगो बहुत तेज होती है और हम अपने आप को लेट डाउन नहीं महसूस करना चाहते। वहाँ पर ये क्रिस्टल्स जो है आपके टेम्परामेंट को डाउन करेंगे, यानी जो रेट ऑफ इरिटेशन है उसको कूल डाउन करते हैं। अक्सर हम लोग छोटी छोटी बात भी पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, और मैं अक्सर एक सेंटेंस कॉमन सा कहता हूँ सबको, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो पेशेंट है। बिल्कुल सही कहा अनूप जी ने, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो पेशेंट है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि पेशेंट मत बनिए, पेशेंस रखिए और पेशेंस से सोच समझ के एक्शन लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन सके। अनूप जी, एक चीज़ और है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आजकल तो जिस शॉप पर जाओ एक लव स्टोन आपको मिल जाएगा या आपको फ्रेंडशिप स्टोन मिल जाएगा, वो कितने कारगर होते हैं? ये बिल्कुल कारगर नहीं है, ये अपने सिर्फ एक फेथ है। अच्छा, हमारा मिथ चलता है एक लव कह के। एक वैसे ही मैं अगर प्रेम की बात करूं कि प्रेम होना चाहिए, तो मेरा अपने ईश्वर के साथ भी तो प्रेम है जी। लेकिन प्रेम को यहाँ पे सिर्फ हम अपोजिट सेक्स से लेते हैं जी। यहाँ पे प्रेम सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच का नहीं है, प्रेम मेरे को अपने फादर से हो सकता है, अपने टीचर से हो सकता है, अपने ईश्वर से हो सकता है, प्रेम तो कुछ भी हो सकता है। प्रेम का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर दूसरे को सुनना भी और उसको फॉलो करने की कितनी क्षमता है जी। और दूसरा भी क्या मेरी उतनी ही बात सुनता है? अगर मेरी एक समस्या, जैसे मैंने कहा टीचर और स्टूडेंट या गुरु और शिष्य, अगर गुरु को आपकी प्रॉब्लम का नहीं पता या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो संबंध कैसे बनेंगे मधुर? बिल्कुल। तो मतलब पूरे तरीके से आपकी बॉडी को पढ़ना, आपके माइंड को पढ़ना, उसको अच्छे तरीके से सोचना समझना और उसके बाद एक क्रिस्टल आपको सजेस्ट करना, ये सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। और एक्सपर्ट जाने माने रिनाउंड एक्सपर्ट हैं अनूप अग्रवाल जी क्रिस्टल के, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारा सौभाग्य है। और आपका भी, आप कॉन्टैक्ट भी उन्हें कर सकते हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अनूप जी, क्रिस्टल्स बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है, जहाँ आज हम रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने बताया किस तरीके से कारगर हो सकते हैं। पहले यहाँ एक छोटा सा मैं सबमिट करना चाहूँगा। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं हमें एक अंगूठी दे दीजिए, वो पहन ले और काम हो जाए। अच्छा, क्योंकि वो इनको क्रिस्टल्स को एस्ट्रोलॉजी बेस लेते हैं। अच्छा, जबकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ये सारे मिनरल्स हैं और साइंटिफिक हैं। अगर किसी चीज़ की आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो वही दिया जाएगा। अगर प्लैनेट्स के अंदर हम बात करेंगे तो प्लैनेट्स के अंदर उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसके पास भी आप गए तो उसने उसके प्लस माइनस देख लिया और उसके हिसाब से आपकी समस्या पूछी और एक उन्होंने स्टोन आपको एक रिकमेंड कर दिया। लेकिन वो मोमेंट्री आपको मदद करता है। अब 6 महीने बाद आपकी समस्या फिर दूसरी खड़ी हो गई, तो उसने क्या कहा, वो दूसरे के पास गए, जी हमारे को ये हो गया, अब पहली वाली तो अंगूठी पहनी हुई है, अब उसके बाद एक और पहन ली। इस तरह से करते करते ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनके सभी हाथों में एक एक अंगूठियां। ज्यादातर मैंने भी देखा है कि लोग एक साथ मतलब बंच पहन लेते, कई सारी पहनते हैं। एग्जैक्टली, वो वहां पे ये चीज भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है, तो मैं अपने आप को क्यों ना करेक्ट करूं।
तो अगर अपने आप को हमें एनालिसिस करना है तो वहाँ पे एक ये क्रिस्टल्स है हमारे पास जो हमारी अपनी सेल्फ एनालिसिस में हमें मदद करता है। बिल्कुल, तो एनालिसिस सबसे पहले अपने बारे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनूप जी, आपने क्रिस्टल्स के बारे में इतनी खूबसूरत जानकारी दी, रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ये बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम यही आशा करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को रंगों से भर देंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है या आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम जो है वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526 जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198992-91202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satyamani.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satyamani.org। रिश्ते हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हें मजबूत बनाना हमारे ही हाथ में होता है। किस तरीके से हम अपनी लाइफ को लेते हैं ये सिर्फ हम जानते हैं और हम ही इसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, अपने रिलेशनशिप्स को खूबसूरत बनाने के लिए आपको यूज़ करने होंगे कुछ प्यारे से क्रिस्टल्स। किस तरीके से आप कर सकते हैं इनका यूज़, ये तो आपने आज सुन ही लिया होगा। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपके फिक्र है।